नमस्कार, मैं प्रदीप गुप्ता, आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। गांव में घुसा तेंदुआ, मचा हड़कंप। श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र सिरसिया अंतर्गत पूर्वी सोहेलवा जंगल से निकला एक तेंदुआ पास के ही गांव धर्मंतापुर में पहुंच गया। घायला अवस्था में तेंदुए ने गांव के अज्ञाराम पुत्र बुद्धू के घर बाहर बने बरामदे में लगे भूसे के ढेर में छुपकर बैठ गया। सुबह 5:30 बजे परिजन सोकर उठे और नित्य क्रिया के लिए बाहर निकलना शुरू किए, तभी लोगों के आहट व आवाजें सुनकर भूसे में छुपा तेंदुआ बाहर निकल अन्यत्र स्थान का सहारा लेना चाहा। परिजन तेंदुए को देखते ही शोरगुल मचाना शुरू कर दिए। शोरगुल की आवाज़ सुन अन्य ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। भीड़ देख तेंदुआ गांव के पश्चिम व उत्तर दिशा में लगे झाड़ी में छुप गया। ग्रामीणों ने गांव में तेंदुए के आमद की खबर वन विभाग, भिनगा व पूर्वी सोहेलवा रेंज सहित पुलिस कर्मियों को दी। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक सिरसिया विनोद कुमार अपने अन्य जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद SDO भिनगा RK श्रीवास्तव, रेंजर RK तिवारी के अलावा सोहेलवा के SDO श्री राम सिंह, रेंजर मदन लाल भी वन कर्मियों के साथ पिंजड़े को लेकर मौके पर पहुँच गए। काफ़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से जाल में कैद किए गए तेंदुआ को पिंजड़े में कैद किया गया, जिसे पहले सिरसिया पशु चिकित्सालय लाया गया, जहां पशु चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार वर्मा द्वारा हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार कर पानी व भोजन के बाद भिनगा भेजा गया। बताया जा रहा है कि वन कर्मियों द्वारा भिनगा पशु चिकित्सालय में घायल तेंदुए की मौत हो गई। पशु चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार वर्मा ने बताया कि बाएं हिस्से में कान से लेकर पीठ तक पुराना घाव था, कई दिनों का लग रहा था शायद आपस में दो तेंदुओं की लड़ाई में घायल हुआ था। श्रावस्ती से प्रदीप गुप्ता के साथ शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट।